टीवी सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम से इतना प्रभावित हुए, तभी तो उन्होंने हर बार एक ही कहानी को अलग किरदारों के साथ राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को प्रदर्शित किया, जिसमें अब तक हमें टेलीविजन इंडस्ट्री में कई तरह के राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम पर बेस्ड सीरियल दिखे, जिसमें हर बार राधा कृष्ण बनकर अलग अलग कलाकार की जोड़ी नजर आई, जिसने हर एक शख्स का दिल जीता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उन राधा कृष्ण की जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी दर्शकों की फेवरेट रही? इस जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 6 जोड़ियों से मिलवाएंगे और उनके कंपैरिजन करेंगे कि जानेंगे कि आखिरकार कौन सी जोड़ी को किया है दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद। नंबर 1, शिव्या पठानिया और हिमांशु जोशी। जी हां, साल 2018 में स्टार भारत पर प्रसारित हुआ शो राधा कृष्ण में शिव्या पठानिया और हिमांशु जोशी राधा और कृष्ण के किरदार को पर्दे पर पेश करते नजर आए, जिनके बीच हमें वही केमिस्ट्री दिखी जिसने राधा कृष्ण के प्रेम को उजागर किया, इसलिए तो ये जोड़ी उस समय बहुत पॉपुलर हुई। नंबर 2, मृणाल जैन और पूजा बैनर्जी। साल 2008 के लोकप्रिय शो हमारे महाभारत में मृणाल जैन ने श्री कृष्ण और पूजा बैनर्जी ने राधा की भूमिका निभाई। धारावाहिक कहानी हमारे महाभारत की एकता कपूर द्वारा निर्मित सबसे दमदार टीवी शो में से एक माना जाता है, जिसमें अभिनेत्री पूजा बैनर्जी और मृणाल जैन ने राधा कृष्ण के किरदार को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि इनकी जोड़ी आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है। नंबर 3, रजनीश दुग्गल और शाइनी दोषी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार रजनीश दुग्गल और टीवी की मशहूर अदाकारा शाइनी दोषी साल 2019 में श्रीमद् भागवत महापुराण शो में दिखाई दिए, जिसमें अभिनेता रजनीश दुग्गल मुख्य भूमिका में थे। वहीं शाइनी दोषी राधा के किरदार में ये दोनों राधा कृष्ण के रंग में रंगे हुए नजर आए, जिनके बीच की लवेबल केमिस्ट्री और अनूठा बंधन दर्शकों को बहुत पसंद आया। साथ इन दोनों की जोड़ी सभी के दिलों पर कहर बरसाती नजर आई। नंबर 4, मेघना जाधव और कृतिका शर्मा। मेघना जाधव ने टीवी शो जय श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण और कृतिका शर्मा ने राधा रानी की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीता। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। कृष्णा बने मेघन जाधव और राधा बनी कृतिका शर्मा की भूमिका को दिल से निभाते नजर आए, तभी तो इनका निभाया गया हर किरदार बिल्कुल रियल लग रहा था। इनकी यही खासियत इन्हें इस लिस्ट में नंबर 4 पर लाती है। नंबर 5, स्वप्निल जोशी और रेशमा मोदी। साल 1983 में लोकप्रिय टीवी शो राधा कृष्ण में स्वप्निल जोशी ने भगवान श्री कृष्ण और रेशमा मोदी ने राधा का किरदार निभाया। इस टीवी शो का प्रसारण दूरदर्शन पर साल 1994 से 96 तक हुआ। ये शो 90 के दशक का सबसे पॉपुलर शो था, जिसका एक एपिसोड दर्शक मिस नहीं करते थे, क्योंकि इस सीरियल में दोनों कलाकारों ने भगवान कृष्ण और राधा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा। आज भी इनकी चमक लोगों की आंखों से उतरी नहीं है। नंबर 6, सुमेध मुदलकर और मल्लिका सिंह। आपको बता दें, वर्तमान समय में टीवी सीरियल राधा कृष्ण में टीवी एक्टर सुमेध मुदलकर कृष्णा की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीवी की जानी मानी अभिनेत्री मल्लिका सिंह इस टीवी शो में राधा के किरदार में हैं। बता दें, ये शो 1 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हुआ और आज भी टीवी इंडस्ट्री पर बना हुआ है, जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरियल में सुमेध मुदलकर और मल्लिका सिंह को। तो दोस्तों, आपको वैसे राधा कृष्ण के अवतार में नजर आई इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सबसे बेस्ट लगी, आप हमें उस जोड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।